अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों के सामने इंग्लिश बोलने में डर लगता है या आपको कोई भी हेजिटेशन होती है तो ये वीडियो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हे गाइस, मेरा नाम है सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली द इंग्लिश रिवर। आज हम लोग आ गए हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी के और एक एपिसोड में। मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक DM आया है जिसको हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। How to gain confidence while speaking English on stage? I mean, I am quite okay when it comes to speaking English, but whenever I am in front of public or suppose 10 to 15 people, I hesitate to speak as I may start in English, but after 2 to 3 lines, I come back to Hindi only. What should I do in this case? English बोलने में problem नहीं है, लेकिन अगर stage में उनको बोला जाए कि English में कुछ बात करिए या public के सामने 10-15 लोगों के सामने, basically group के सामने अगर उनको बोला जाता है कि आप English में बात करें तो उनको hesitation होता है। और ये same चीज़ और एक जन ने भी मुझे बोला है कि मुझे English तो आती है लेकिन बोलने में hesitation होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं फ्यूचर में भी। तो पहला जो पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ये हेजिटेशन किस बात की हो रही है। उन्होंने बोला कि स्टार्ट वो इंग्लिश में ही करते हैं लेकिन कुछ 2-3 सेंटेंस बोलने बाद वो हिंदी में वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि हिंदी में वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। ऐसा हो सकता है अगर आपका नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, बंगाली है, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, आपका जो मदर टंग है जिसको आप बहुत ईजिली बोल सकते हैं, छोटे से जो सुनते आ रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बोलने बोला जाएगा, चाहे वो आप बहुत ज़्यादा बोले या कम बोले, लेकिन आप उसमें बोल पाएंगे, लैंग्वेज वो बैरियर नहीं होगी। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो लोगों की कॉन्फिडेंस थोड़ी हिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे लैंग्वेज सही से आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज के साथ अभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए हो, और कंफर्ट तभी आएगा जब आप उस चीज़ को बार 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 करोगे। तो बहुतों का ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब जो स्कूल में पढ़ा जाता है उसको एक काम की तरह ट्रीट करते हैं। इंग्लिश आपको हर जगह मिलेगा, आप चैटिंग करने में आपको इंग्लिश मिलेगा, पढ़ने में, हर एक जगह पर आपको इंग्लिश मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना है, राइट? तो आपको पहला आपका स्टेप है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल कराना पड़ेगा इंग्लिश के साथ। अब मेरा सेकंड पॉइंट है कि आप मग मत करिएगा। मग करने का मतलब है, ये एक नया वर्ड है बाय द वे, मग अप करने का मतलब होता है रटना। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर पढ़ना होगा, अगर कोई फैक्ट है या कोई भी थ्योरी पेपर है, तो हम लोग रट लेते हैं उसको, ठीक है, मग अप कर लेते हैं। इंग्लिश में बहुत जन ऐसा करते हैं, कुछ चंद वर्ड्स वो लोग दिमाग में रख लेते हैं और कुछ भी बोलना अगर होगा तो स्टाइल मारने की जगह में बड़े बड़े वर्ड्स को एक साथ डाल देते हैं। कुछ सर पैर है नहीं, बस डालना है, थोड़ा सा इंप्रेशन जमाना है। उनको ये लगता है कि कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अगर वो जान गए, अगर वो बोल दिए सही तरीके से, तो वो इंग्लिश में मास्टर हो गए, ठीक है। बहुत ही गलत चीज़ है। तो कभी भी कोई भी वर्ड्स को रटना मत, मगअप नहीं करना है, जो नेचुरली निकल रहा है उसको निकलने दीजिए। मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको हेजिटेशन होती है लोगों के सामने बात करने के लिए, आपको पहली बात, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बात करना ही पड़ेगा लोगों के सामने। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपके कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर जो आपको जानते हैं, उनको आप बताइए कि यार आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो जब भी मैं बात करूँ तुझसे या आप लोगों से, आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप मुझे वो चीज़ गलतियाँ मेरी पकड़वा दीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझे हेल्प करिए, आप भी मुझसे हमेशा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करिए कि आप जितने भी हो सके लोगों से धीरे धीरे नंबर को इंक्रीज़ करिए। आज अगर एक जन से बात करें, कल जाके आप 50 जन से मत बात कर लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सर्कल को बढ़ाइए। मेरा चौथा एडवाइस आपके लिए है कि कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब है कि जो भी आपको बताना है, जो भी जिससे भी बात करनी है, दिमाग में आप ये मत सोचिए कि यार भारी भरकम वर्ड्स कैसे मैं इसको बताऊँ, और मतलब सिंपली अपने आप को एक्सप्लेन करें, ठीक है। मतलब सोचिए कि आप जब बोलते हैं हिंदी में या बंगाली में या जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप क्या ये सोचते हैं कि यार मैं कितने बड़े बड़े वर्ड्स बता पाऊँगा इसको, या इसको किस कॉम्प्लेक्सिटी से समझा पाऊँगा, नहीं, राइट? आप ट्राई करते हैं कि आप अपना जो थॉट है, आपको जो बोलना है, उसको कितने सिंपल भाषा में कितने फास्ट बता पाऊँगा, राइट? तो यही इंग्लिश के साथ भी करिए, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, लॉजिक नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी बोलना है सामने वाले को, उसको जितना हो सके सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करके बताइए। और मेरा पांचवा एडवाइस आपके लिए ये है कि मिस्टेक करने से डरिए मत, इनफैक्ट गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गलती करिए।
याद है मैंने बोला था कि आप अपने दोस्तों को अपने परिवार वालों को बोलिए कि यार आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश, प्लीज़ हेल्प मी। तो वो उनको आप ये परमिशन दीजिए कि आप मेरी गलतियों को मुझे पकड़वाएं, और जब वो पकड़वाते हैं तो आप उसको ऑफेंस में मत लीजिएगा, बुरा मत लगवाइए। गलत सीखने से अच्छा है कि यार कोई मुझे टोके, राइट। तो गलती करने से डरिए मत, गलती कर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। गलतियाँ तो करेंगे, कुछ लोग शायद हंसेंगे, उनको इग्नोर मार दीजिएगा, बस आगे बढ़ते रहिए, राइट। तो ये 5 स्टेप में से कौन सा ऐसा स्टेप है जो करने में आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं, और आप मुझे नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।